विद्युत मंडल के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी दो सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए, जिसके कारण बागली अनुभाग की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। बागली अनुविभाग के विद्युत मंडल के आउटसोर्स कर्मचारी एवं संविदा कर्मचारी बागली मुख्यालय सहित प्रत्येक ग्रिटों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार के दिन चापड़ा में बागली रोड पर स्थित बिजली विद्युत मंडल कार्यालय पर उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन किया, जहां पर बताया गया है कि उनकी दो सूत्रीय मांग है कि संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों की पात्रता दी जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे और अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हमारी जो मांगी जा रही है, या इसमें संविदा आउटसोर्स कर्मचारी बिजली के तो पिछले 3 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है हमारी, जिसमें सरकार से हमारी दो प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग तो यह है कि जो संविदा कर्मचारी है उनको नियमित किया जावे, एवं आउटसोर्स जो कर्मचारी जो है उनका सविलियन किया जाए विभाग में। जहाँ देखा गया है कि अब कोरोना काल में कि कितने ही कर्मचारी हमारे शहीद हुए हैं और कितने ही की मृत्यु हो गई, किसी के हाथ कट गए, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी है अपने विभाग में, और विभाग इस बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। तो हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि कम से कम हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचे वो, और हमारी दो सूत्री मांगों को पूर्ण करे वो। और हमारी दो सूत्री मांग यही है, पहली मांग यही है हमारी कि जो संविदा कर्मचारी है उनका विभाग में सविलियन किया जाए, नियमित किया जाए उन्हें, एवं जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनका सविलियन किया जाए विभाग में। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो क्या? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर हम भूख हड़ताल भी करेंगे, भूख हड़ताल का भी करेंगे फिर हम, अगर नहीं मानते तो। वर्तमान में क्या सारे कामकाज बंद कर रखे हैं? हमारे यहाँ पर जो भी सारे कर्मचारी हों, जो ग्रिड पर जितने भी कर्मचारी थे सारे बाहर आ चुके हैं, ग्रिड पर भी कोई नहीं है, ऑफिस में भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, और बस यही हमारी विशेष मांग है सरकार से। फील्ड में कोई काम नहीं है, जो लाइट फॉल्ट है फॉल्ट ही पड़ी है, क्योंकि कर्मचारी है नहीं नियमित, और सरकार हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रही है। पिछले कई 10 वर्षों से 11-11 वर्ष काम करते हुए हो चुके हमको, और किसी को 15 साल, किसी को 20 साल हो चुके हैं, और 8-9 हज़ार की सैलरी में कोई घर नहीं चला सकता है। तो सरकार से यही विनती है कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूर्ण किया जावे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।